मगर मैं आपको एक ऐसी चीज भेंट करता हूं जो अमर है, जिसको न कभी हार होती है और न जिसका सर कभी झुकता है, वह है प्रेम। वो देहाती हैं जो अमन के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीर कर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। दोस्तों, मौजूदा दौर के फिल्म दर्शक अभिनेता रजा मुराद को तो अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके पिता मुराद भी अपने दौर के दिग्गज अभिनेता रहे हैं? ये बात शायद अब कम ही लोग जानते हैं। आप देवता हैं महाराज। नहीं बेटी, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। मुराद साहब का जन्म 24 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। मुराद साहब ने अपने करियर में 550 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से करीब 300 फिल्मों में उन्होंने अदालत के अंदर बैठे जज की भूमिका निभाई। इससे बड़ी किसी अदालत की और बेइज्जती क्या होगी, जहां इंसाफ अधूरा रह जाए और सच्चाई की आवाज़ को दबा दिया जाए। मुराद साहब का रामपुर से बम्बई आना भी महज एक इत्तेफाक ही रहा। दरअसल दोस्तों, मुराद साहब के बेटे रजा मुराद जी ने एक इंटरव्यू में अपने पिता की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कहता हूँ मुँह से कुछ, मैं निकलता है मुँह से कुछ, कहने को यूं तो है कि जुबान नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे वालिद साल 1938 में मुंबई आए थे। उस समय रामपुर रियासत के नवाब थे रजा अली खान। मेरे वालिद साहब ने उनके खिलाफ कोई जुलूस निकाला था तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर रामपुर खाली करने का फरमान जारी कर दिया। आपने देखा कि तलवार टूट गई और गुरूर का सर भी नीचा हो गया। बम्बई आने पर उनकी दोस्ती जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान से हुई। मेरे वालिद साहब को कहानियां लिखने का बहुत शौक था। उस जमाने में निर्माता निर्देशक महबूब खान साहब का बहुत बड़ा नाम था। वो महबूब खान साहब को कहानी सुनाने गए। महबूब खान देर तक कहानी सुनते रहे और कहानी सुनने के बाद बोले, तुम ये कहानी वहाँ नहीं रहने दो, ये बताओ एक्टर बनोगे? तमाम नाकुरूर के बाद मेरे वालिद साहब अभिनेता बनने को राजी हो गए। ये साल 1942 की बात है। उस समय महबूब साहब फिल्म नज़मा बना रहे थे। उसमें अशोक कुमार हीरो और वीना हीरोइन थी। मेरे वालिद साहब ने उस फिल्म में अशोक कुमार के पिता का रोल किया। उस समय वो अशोक कुमार से महज कुछ ही दिन बड़े थे। दोस्तों, आगे उन्होंने बताया, फिल्म नज़मा के बाद मेरे वालिद साहब महबूब खान साहब की फिल्मों के परमानेंट एक्टर बन गए। उन्होंने महबूब खान साहब की अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, अंदाज, अमर, आन और सन ऑफ इंडिया जैसी सभी फिल्मों में काम किया। सिर्फ मदर इंडिया में काम नहीं किया, क्योंकि उस फिल्म में उनके लायक कोई रोल नहीं था। महबूब खान साहब ने जब मदर इंडिया का ट्रायल रखा तो मेरे वालिद साहब को बुलाया और उन्हें फिल्म दिखाने के बाद बोले कि अब बताओ कि तुम्हारे लायक इसमें कोई रोल था। महबूब खान साहब मेरे वालिद साहब को बादशाह कहते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी फिल्म आन में बादशाह का रोल किया था। मेरी परजा, जय परजा। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की। इनमें विमल रॉय की दो बीघा जमीन, देवदास, सोहराब मोदी की मिर्जा खालिद और दिलीप कुमार साहब के साथ दीदार। दिलीप कुमार साहब की क्लासिक फिल्म मुगले आजम में मेरे वालिद साहब राजा मानसी बने थे। आगे उन्होंने बताया, जीनत अमान के वालिद अमानुल्लाह खान को लोग प्यार से अमान साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने पाकीज़ा और मुगले आजम जैसी फिल्में लिखी हैं। अमान साहब का ताल्लुक भोपाल के शाही घराने से रहा। एक बार अमान साहब के साथ मेरे वालिद भोपाल गए। अमान साहब के परिवार और उनके संस्कार से मेरे वालिद साहब बहुत प्रभावित हुए। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं आपके ही ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ। तो अमान साहब की छोटी बहन लियाकत जहाँ बेगम के साथ उनकी शादी हुई। कहता हूँ मुँह से कुछ, मैं निकलता है मुँह से कुछ, कहने को यूं तो है कि जुबान नहीं। अमान साहब के साथ जो दोस्ती थी वो रिश्ते में बदल गई। इस हिसाब से जीनत अमान मेरी सगी ममेरी बहन है। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान मेरी नानी के मौसरे भाई थे। मेरे वालिद साहब को शेर व शायरी का बहुत शौक था।
उन्हें फारसी और उमर खयाम के 5000 शेर याद थे। आगे वो कहते हैं, हमारे वालिद साहब ने हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उस जमाने में हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम बसों में सफ़र करते थे। कहते थे कि अगर कोई महिला आती है और आप सीट पर बैठे हैं तो उन्हें अपनी जगह दे दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी बुज़ुर्ग या महिला से आपका परिचय होता है और वो खुद से हाथ बढ़ाए तभी हाथ बढ़ाइए, खुद से पहले हाथ मत बढ़ाइए, क्योंकि ये बदतमीजी होती है। वक्त की पाबंदी क्या होती है मैंने अपने वालिद साहब से सीखी। जब सुबह 7 बजे की मेरी कोई शूटिंग होती थी तो वो मुझे सुबह 6 बजे चाय के साथ उठाते थे और 6:30 बजे कहते थे कि अब तुम्हारा काम पर जाने का समय हो गया है। शूटिंग पर पहुंचकर भी ये मत पूछना कि मेरा काम कब से है, प्रोड्यूसर ने तुमको एक शिफ्ट के लिए बुक किया है और उसके पैसे दे रहे हैं। तो इस बात की शिकायत कभी मत करना कि दिन भर बैठाकर शाम को तुमसे काम ले रहे हैं। वो आगे कहते हैं, मेरे वालिद साहब के ज़माने में तो कोई फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ जाकर हम एक्टिंग की बारीकियाँ सीखें। जब पूना में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की शुरुआत हुई तो मेरे वालिद साहब ने कहा, अब तुम्हारे ज़माने में इंस्टीट्यूट खोला है तो इसका लाभ लेना चाहिए। उनके सुझाव पर ही मैंने 1969 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वो आगे कहते हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि बतौर जज उनकी आखिरी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ शहनशाह थी। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने सौदागर, कसौटी जैसी कई फिल्मों में काम किया। मेरे वालिद साहब शक्ल से शहनशाह लगते थे लेकिन स्वभाव से फ़कीर थे। अगर उनके पास पैसे होते थे और कोई उनसे मांगता था तो वो बिना गिने ही उसे दे देते थे और कभी वापस नहीं मांगते थे। किसी पर भी भरोसा कर लेते थे और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते थे। उनकी अच्छाई का भी लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ सुबह सुबह मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी। वो आगे कहते हैं, मेरे वालिद साहब का नाम मुराद नहीं था बल्कि उनका असली नाम हामिद अली खान था। उन्होंने महबूब खान साहब की एक फिल्म मेजर मुराद में काम किया था। ये फिल्म उनको बहुत पसंद थी। महबूब खान साहब ने ही उनका नाम मुराद नाम रख दिया। जब वो मुंबई आए तो उनकी गोरी रंगत, हरी आँखें और घुंघराले बाल और सुर्ख चेहरा देखकर अंग्रेज पुलिस वाले उनको सैल्यूट करते थे। जहाँ भी वो जाते लोग उनको देखकर चौकन्ने हो जाते थे कि कोई ब्रिटिश अफसर आ गया है। वो आगे कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरी वक्त तक अपने पिता की मैं जितनी सेवा कर सकता था मैंने की। भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। मालूम होता है कि अब की ये दर्द मेरी जान ही लेकर टलेगा। खुदा ना करे डॉक्टर साहब। दोस्तों, 24 अप्रैल 1997 में हामिद अली खान यानी मुराद साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए। क्या आपके जाने के लिए हवा बहुत मुआफिक है? हवा का क्या भरोसा, किसे खबर कब रुख बदल। दोस्तों, रजा मुराद जी आगे ये भी कहते हैं कि अमजद खान को हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि वो अपने पिता की सेवा नहीं कर पाए। शोले के रिलीज होने से पहले ही उनके पिता जयंत साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, शहनशाह इनकी आखिरी मूवी थी और उसके बाद उन्हें लकवा मार गया था। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।